नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज भिवानी में किलोमीटर स्केल के तहत बसों को हरी झंडी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को इससे काफी सुविधाएं मिलेगी और ये सभी बसें लंबे रूटों पर चलाई जाएंगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने किलोमीटर स्केल लागू करके लोगों को सुविधा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अब ये बसें लंबी दूरी तक चलाई जाएंगी और इससे लोगों को काफी सुविधाएं मिलेगी। जेपी दलाल ने कहा कि रोडवेज की बसों को छोटे रूटों पर सरकार चलाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में भी इसका विशेष प्रावधान दिया गया है। उन्होंने कहा कि आने ये जो बजट है ये सभी के लिए फायदेमंद होगा और उन्होंने ये भी कहा कि बजट में भिवानी के लोगों को काफ़ी सौगातें मिली हैं। कल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भिवानी डिपो को पिछले हफ्ते में 20 बस मिली हैं। नई बसें हैं ये कि किलोमीटर स्कीम के अधीन में बसें चलाई हैं और इसमें जो कंडक्टर है वो सरकारी होता है और सरकार का ही पूरा कंट्रोल है और लोगों को सुविधा मिलेगी। भिवानी ज़िले के अंदर रोडवेज की बहुत सारे गाँवों के अंदर मांग थी। अब जो नई बसें हैं इनको लंबे रूट पर चलाएँगे और जो हमारी पुरानी बसें हैं उनको लोकल रूट पर चलाएंगे और जनसाधारण को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो आरोप लगा था कि निजीकरण को, विपक्ष का रोजगार उनका खत्म हो गया है कि लोगों ने उनको रिजेक्ट कर रखा है, लेकिन जनता खुश है। जनता को सुविधाएं चाहिए और जो नई बसें देकर जनता को, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये बस किलोमीटर स्कीम की है या स्वामित्व वाली सरकार की है, उनको तो सुविधा चाहिए। और हमारा जो लक्ष्य है कि जनता की सुविधाएं देना, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, और इसी दिशा में जो कल हमारा बजट आया है भिवानी ज़िले के लिए बड़ा ज़ोरदार बजट है। उसका खास बात यह है कि सिंचाई का जो बजट है वो 65% बढ़ाया गया है और दक्षिण हरियाणा को इस बजट बढ़ने से, सिंचाई की व्यवस्थाएँ बढ़ने से दक्षिण हरियाणा को पानी ज़्यादा मिलेगा। कृषि का बजट है वो 24% बढ़ाया गया है एक साल में। वो कुल बजट तो बढ़ा है 6-7%, लेकिन कृषि का 24% बढ़ा है। तो इस बजट में बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, हमारी हवाई पट्टी का यहाँ पर क्लब बनेगी, एरो क्लब, यहाँ पर बच्चे हवाई जहाज उड़ाना सीखेंगे, बाईपास बनेगा भिवानी का, सीवरेज की व्यवस्था सुधरेगी। तो मैं मुख्यमंत्री जी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उनका धन्यवाद अदा करता हूँ और लोगों के अंदर बड़ी ज़बरदस्त खुशी की लहर है कि ऐसी सरकार हमेशा ही रहे। बजट जो बता दिया मैंने आपको, जो कृषि के लिए क्या थोड़ी छूट दी गई है, ब्याज माफ़ी पे जो है किसानों के केसीसी कार्ड पर, पहले कोऑपरेटिव का थे, अब प्राइवेट उनके भी कर दिए हैं कि सारे जो 3 लाख तक डिफाल्टर नहीं रहेंगे तो सारा का सारा ब्याज सरकार वहन करेगी। और जो नई नई बिजली का रेट, जो खेती बाड़ी से आधारित कोई भी उद्योग लगाएगा उसके बिजली के रेट घटा दिए, चाहे मछली पालन करे, पशुपालन करे, मुर्गी पालन करे, ग्रामीण क्षेत्र को उसकी सुविधाएँ दी हैं। हर मंडी के अंदर जो है सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए व्यवस्था होगी, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी हर मंडी पर होगी, सब्जी मंडियों में महिलाओं के लिए अलग से स्थान दिया गया है। तो जन कल्याणकारी बहुत सारे काम इसमें किए गए। जो पॉलिसी है उसकी बड़ी आलोचना हो रही है, कहा जा रहा है कि गाँव से ठेका हटाने की बात थी लेकिन घर घर बना दिए। ये जो घर घर ठेके की जो व्यवस्था थी ये तो पिछले 40-30 साल से है, इनको कुछ मिल नहीं रहा। इस ये जरूर है कि अब हमने उसको एलेबरेट कर दिया है, लेकिन हमने कोई उस पॉलिसी में चेंज नहीं किया, पहले से चली आ रही है। पिछली 4-5 सरकारों से वही पॉलिसी चली आ रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया।